हिंदू धर्म में प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना अनंत काल से चली आ रही है। सारे संसार की ऊर्जा का केंद्र माने जाने वाले भगवान सूर्य देव के देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो न सिर्फ लोगों की आस्था के लिए बल्कि अपनी भव्यता और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। मंदिरों को देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। इन मंदिरों में कई धार्मिक आध्यात्मिक रहस्य छुपे हैं। तो आइए जानते हैं उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के कुछ रहस्य और रोचक बातें। यह मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने की थी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस मंदिर को गंगा साम्राज्य के राजा नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर लाल रंग के बलुआ पत्थरों से कलिंग शैली में बना हुआ है। इस मंदिर में कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। यहाँ आप साक्षात रूप से सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य उदय होता है तो इस मंदिर का नजारा बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो सूरज से निकली लालिमा ने पूरे मंदिर को नारंगी कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है पहले मंदिर के गर्भगृह में एक सूर्य देव की मूर्ति स्थापित थी जो चुंबकीय प्रभाव से हवा में तैरती रहती थी। बताया जाता है कि सूर्य मंदिर के शिखर पर 52 टन का चुंबकीय पत्थर लगा था जिस कारण मूर्ति हवा में तैरती थी। इस चुंबक के प्रभाव से कोणार्क समुद्र से गुजरने वाले जहाज क्षतिग्रस्त हो जाते थे और मंदिर की तरफ खींचे चले आते थे। इस पत्थर को अंग्रेजों ने निकाल लिया जिस कारण मंदिर का संतुलन खो गया था, इसलिए गर्भगृह को बालू से भर दिया गया था जिससे मंदिर को क्षति न पहुंचे। जब मंदिर का निर्माण कराया गया था उस समय समुद्र तट मंदिर के समीप ही था। कहा जाता है संध्या के बाद इस सूर्य मंदिर से पायल की आवाजें आती हैं। यहाँ के स्थानीय लोग सूर्य देव को बिरंची नारायण कहते हैं। इस मंदिर की रचना रथ जैसी है जिसमें 12 विशाल पहिए लगे हैं। इस रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं। इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। मंदिर के 12 पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं और हर एक पहिया 8 अरों से मिलकर बना है जो दिन के 8 पहर को दर्शाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर कामुकता की भी एक नई परिभाषा देता है। यहाँ बनी मूर्तियाँ पूर्ण रूप से यौन सुख का आनंद लेती हुई दिखाई देती हैं। पूरे मंदिर में जहाँ तहाँ फूल बेल और ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी की गई है। इसके साथ ही मानव देव गंधर्व किन्नर आदि की आकृति भी दर्शाई गई है। मंदिर के कुछ स्थानों में नारी सौंदर्य नर्तकियों की विभिन्न भाव भंगिमाओं को भी उकेरा गया है। लगभग 750 साल पुराने इस सूर्य मंदिर को जो भी देखता है आश्चर्यचकित हो जाता है।